कल एक हमारे श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माए, उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहाँ निवेदन किया और बेटा मिला, तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी माँ हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में, आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू माँ, धन्य है। अच्छा लगा बात करके कि माँ हो, भगवान माँ दे तो ऐसी माँ दे जैसी कल वो मिली। एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया मैं अपने बेटे को मोह से ग्रसित नहीं करना चाहती, परमार्थ में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कभी सामने न जाऊं। अरे धन्य है उसका गर्भ जिसके गर्भ से भगवान का महाभागवत पैदा हुआ। और तो सब जाने कैसे कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं और वो भगवान से विमुख नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं।